हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एरियाज है, उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। राहुल गांधी और विनायक तुम। तेलंगाना विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी तेलंगाना में सिंगरेनी कोल माइंस में काम कर रहे कर्मचारियों से मुलाकात करने पहुंचे। इसका वीडियो राहुल ने खुद अपने YouTube चैनल पर शेयर किया। हालांकि इस मुलाकात की कुछ तस्वीरों को कांग्रेस ने भी ट्वीट किया था, लेकिन अब राहुल गांधी ने कर्मचारियों से बातचीत के कुछ अंश अपने YouTube चैनल पर शेयर किया। इस वीडियो में राहुल ने कोयला खदान में काम कर रहे कर्मचारियों से उनकी शिकायतों को सुना और केंद्र की मोदी सरकार पर मजदूरों के साथ सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया। इस दौरान वहां के कर्मियों ने 4 पॉइंट में अपनी शिकायतों को राहुल के सामने रखा। इस बातचीत में कर्मियों ने अडानी अंबानी का मुद्दा राहुल के सामने रखा। पहले राहुल के कर्मियों से बातचीत के कुछ अंश आपको सुनाते हैं। We are 42,000 people are working in Singareni area and after Modi government came into the power, he is doing like all 44 labor laws into 4 courts and he is doing privatization of all PSUs. You want to cancel all 4 labor courts? So you are going from being laborers to bonded laborers. They are making you like bonded labor. Yes. Yes. जो पहले हुआ करता था 200-300 साल पहले वो ही आपको बना रहे हैं। Okay. तो इसके जो 4 पॉइंट्स हैं, ये क्या हैं? We cannot do strike. You cannot do strike. Second point, there is no job security. They can remove immediately without any notice period or something like that. Third, extending working hours to 12 hours. Okay. And fourth, there is no social security for all workers. पहले जो है ना 1,10,000 आदमी है, अभी 40,000 लेकिन 40,000 नहीं है सर, अभी भी 1,10,000 है लेकिन परमानेंट कर्मचारी नहीं है सर। अभी एक बात है सर, इसमें क्या है, जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जितना भी जो व्हीकल्स है और जितना भी जो इक्विपमेंट्स है, डीजल पेट्रोल जो भी है, किसी में भी कमी नहीं है सर। लेकिन लेबर जो है ना बहुत सस्ता मिल रहा है, ये लेबर का जो पैसा है बड़ा आदमी ले रहा है, तो बड़ा जो अंबानी है, अदानी है, जो इन लोग जो है ना वो अपना पेट बढ़ा रहे। आप यहाँ ये जो प्राइवेटाइज कर रहे हैं, ये आप इसको रोकना चाहते हैं? हाँ, ये सर। आप करते क्या हो? मैं टेक्नीशियन सर, मैं फिटर हूँ। फिटर है? फिटर हूँ, वो सिर्फ यही माइन में काम करता हूँ। अच्छा, और आप? अंडरग्राउंड में काम करते हैं, प्रोडक्शन जो रहते ना सर, वो E&M काम करते हैं, लाइक जो भी सामान है वो शिफ्ट करना है हम लोग करते हैं। मतलब गाड़ी मशीनरी के साथ करना है, वो करना है। गवर्नमेंट था जब एग्जम्पशन था, अभी बीजेपी गवर्नमेंट आए एक पैसा भी एग्जम्पशन नहीं है। हम अंडरग्राउंड भी बजट से नहीं, अब क्या हुआ ना मैं आपको बताता हूँ। पहले डायरेक्ट टैक्सेस होते थे, जैसे इनकम टैक्स होता था, अब इन्होंने GST लागू कर दिया। अब GST में क्या होता है, अगर आप कुछ खरीदोगे और अंबानी कुछ खरीदेगा तो आप भी उतना टैक्स दोगे, वो भी उतना टैक्स देगा। ये गलत GST किया है और ये जो कमजोर लोग हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे व्यापारी हैं, इनको मारने का और इनका पैसा छीनने का तरीका है। बातचीत के दौरान एक कर्मी ने राहुल गांधी की तारीफ करते हुए कहा कि उन सब कर्मचारियों को अब उनसे उम्मीद है, उनकी मांगों को वही पूरा करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि राहुल गांधी से उनकी आस इसलिए है क्योंकि बीते कुछ दिनों में राहुल ने ट्रक ड्राइवर, ऑटो वाले, कूली, डिलीवरी बॉय से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना। इस पर राहुल गांधी ने जवाब देते हुए कहा कि किसानों और मजदूरों की रक्षा नहीं करेंगे तो इंडिया आगे नहीं बढ़ सकता। राहुल ने कहा कि काम आप करते हो और फायदा कोई और उठाकर ले जाता है। Because you recognize the workforce of India. Because you are spending time with Swiggy boys, delivery boys, workers, and Hamalis, and auto wallas, and truck drivers, and now today with Singareniers. That means you are giving support to the workforce of India. Definitely I can say you sir, you will be the Prime Minister of India, no doubt in that. Please continue with support with workforce. See, I think that kisanon ki aur jo mazdoor hain unki raksha nahi karenge, India aage hi nahi ja sakta. Yes. Matlab, kaam aap karte ho, बोझ आप उठाते हो, आपके कंधे उठाते हैं और फायदा कोई और उठा के ले जाता है, और ये मतलब बढ़ता जा रहा है। आप देखिए जो अदानी जी के साथ हो रहा है, आपकी इंडस्ट्री में भी हैं, हर इंडस्ट्री में जा रहे हैं, उनको ब्लैंक चेक मिलता रहता है और जो उनसे कम्पीट करते हैं उनको ख़त्म कर दिया जाता है, उनको बंद कर दिया जाता है और फिर प्राइवेटाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे तो देश का नुकसान होगा, और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि जो हमारे मजदूर हैं, जो हमारे वर्कर्स हैं, जो हमारे किसान हैं, उनकी सिर्फ रक्षा करने की ज़रूरत नहीं है, उनको पूरा सपोर्ट देने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है और उनको एक नया तरीके का इमेजिनेशन देने की ज़रूरत है। क्लियर स्टैंड लेना चाहिए सर प्राइवेटाइजेशन में, प्राइवेटाइजेशन। हमारा कांग्रेस पार्टी का स्टैंड बड़ा क्लियर है, स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं, उसमें हम प्राइवेटाइजेशन नहीं चाहते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।